मोहनगंज में यहाँ पर चार लोगों के मृतक लोग मिले हैं, उनकी लाश मिली है घर के अंदर। चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है, गहरी चोट के गंभीर चोट के निशान है। इन सभी लोगों को देखा गया, तीन लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है। इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनके पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से इस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है, वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी किया जाएगा। चार लोग जो मरे हैं क्या उम्र होगी और कौन कौन लोग हैं? 50 वर्ष के आसपास हैं जो घर के मालिक हैं, उनकी पत्नी है जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और एक बच्ची है जो 17 साल की है, लड़का है जो लगभग 13 साल का। कुछ वजह पता चल चुकी है? घटना के कारणों के बारे में थोड़ा समय दीजिए, हम लोग करके बताएंगे। पुलिस कर्मियों को कुछ कार्रवाई वैसे बता रहे हैं? जितना झाँके रहे जितना पाए गिरा।